नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल तोमर है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन करना महज एक इत्तफाक था। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। एक रोज़ यहाँ किसी से मिलने आया था, जब यहाँ का माहौल देखा तो मुझे क्या करते हो तो पता लगा ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। कई सवालात किए और 3.5 घंटे के डिस्कशन के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि डॉक्टर अनिल तोमर, आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे शायद वो यहीं पर है। चूँकि अब तक मैं ज़िंदगियाँ क्योर करता आ रहा था, लेकिन मुझे लगा सिक्योर करने का जो आनंद है वो क्योर करने से ज़्यादा बेटर है। मैक्स लाइफ में आके मुझे ये लगा कि ये एक परिवार है। जो परिवार की अवधारणा हमारे समाज में कही गई है वो अवधारणा मुझे यहाँ देखने को मिली। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, पर्सनल रूप में भी और बेसिकली बिजनेस के रूप में भी। तो जो भावना यहाँ पर आकर ग्रहण हुई वो ये थी कि ये एक परिवार है और ये परिवार छोटे से लेके बड़े का सबका ख्याल रखता है। इसलिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक अजूबा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, लिहाजा मैं इसलिए मैक्स लाइफ को ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी। मैं कुछ भी नहीं जानता था, एग्जाम पास किया, लेकिन थैंक्स टू माय मैनेजर जिसने मेरे साथ फील्ड पे जाकर शुरू में कॉल्स करी और उन कॉल्स के माध्यम से मैंने जाना कि किस प्रकार से हमें अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, आवाम को एजुकेट करना है। क्योंकि यहाँ सिर्फ कोई माल बेचना हमारा काम नहीं है, मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है एक सामने वाले व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना और उसको एजुकेट करना कि इंश्योरेंस की तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो लिहाजा बहुत सी दिक्कतें शुरू में आई, लोग समझने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन जब उनको प्रॉपर तरीके से हमने उनको समझाया, उनको पढ़ाया तो उनकी बात समझ में आई। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों मैं नॉलेज गेन करता गया त्यों त्यों मुझे काम करने में आनंद आने लगा। और आज वाकई में इतना आनंद आता है कि जब किसी एक शाम को मैं एक परिवार को सिक्योर करके आता हूँ, इतनी चैन की नींद आती है, शायद डॉक्टरी करते हुए मुझे वो नींद नहीं आती थी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक ही सक्सेस मंत्रा है और वो ये है कि रोज़ाना जितने लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, वो आपके इस बिज़नेस के लिए अति आवश्यक है और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चूँकि भारतवर्ष एक वो मुल्क है जहाँ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा अनवेलकम सब्जेक्ट है। एक और तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से या डेवलप्ड कंट्रीज से, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी है जो हिंदुस्तान में नहीं है। आज की तारीख में लोगों को, आवाम को इस बात से अवगत कराना कि भाई ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके किन फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब उनको हम ये पढ़ाते हैं उनकी समझ में आता है तो शायद तब इंसान इस ओर बढ़ता है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने विभिन्न फाइनेंशियल गोल्स को लेकर वो अपने आप को सिक्योर करता है। तब जाकर ये कहीं जाके मंत्र पूरा होता है कि यस, हमें रोज़ाना कम से कम 3 से 5 नए लोगों को रोज़ पढ़ाना है और उनकी परिवार को सिक्योर करना है। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा रूल यही है, जब मैं किसी भी आदमी से बात करता हूँ मेरा पहला जो सेंटेंस होता है वो ये होता है कि मेरा मकसद आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा प्लान करना है, जिसके लिए मैं आपसे आपके आर्थिक लक्ष्य, इसको अंग्रेजी में फाइनेंशियल गोल कहते हैं, जानूंगा, उनके लिए आपने क्या इन्वेस्ट कर लिया है ये आपसे समझूंगा, और यदि उसके बाद भी कोई गैप निकल के आता है तो उस गैप के आधार पर और आपकी जेब के आधार पर एक कस्टमाइज सॉल्यूशन बना के देना, ये मेरा काम है। और सर, यदि ये पूरा डिस्कशन कहीं आपके दिल को छू पाया और आपको ये एहसास हुआ कि ये डिस्कशन आपके साथ बहुत पहले होना चाहिए था और अब आप ये समझते हैं कि ऐसा ही डिस्कशन मैं आपके परिवार के चंद और लोगों के साथ या आपके उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह अपने परिवार से प्यार करते हैं उनके साथ ये डिस्कशन करूं, तो बतौर अपनी फीस के उनके नाम आपसे चाहूंगा ताकि उनको भी मैं पढ़ाकर ऐसा ही एक सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर सकूं। जाहिर सी बात है, जब मैं डॉक्टर था तो मैं बहुत अच्छे पैकेज पे था, बहुत अच्छी पोजीशंस पे था, लेकिन यहां आने के बाद क्योंकि काम तरीके से वही एथिक्स जो एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक फिलॉसफी है, एथिकल काम करना, सच्ची एडवाइस देना, सही तरीके से कस्टमर के हित में काम करना, जब हम उस तरीके से काम करते हैं तो पैसे की कमी यहाँ कभी नहीं आती, ना ही आपके मान सम्मान में कमी आती है। लोगों में एक ये भावना रहती है कि कहाँ इंश्योरेंस के एजेंट बन गए हैं, लेकिन मैं बता दूँ, अगर आपके दिल में ये भावना है कि आपने एक परिवार को सिक्योर कर दिया है, क्योंकि जब किसी कस्टमर को हम एक चेक देके जाते हैं क्लेम का,
उस दिन ये हर इंसान को एहसास होता है कि इस इंश्योरेंस एजेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैं इस सेक्टर में आया, इंश्योरेंस सेक्टर में आया था, तो उससे पहले मैं एक हॉस्पिटल में था, कहीं हॉस्पिटल में काम किया, सैलरी अच्छी होती थी, पैकेज वाज वेरी गुड। लेकिन जब यहाँ आया, काम करना शुरू किया, चूंकि मैक्स लाइफ की जो फिलॉसफी है वो ये है कि एथिकल काम करना, सच्ची एडवाइस देना, कस्टमर के हित में काम करना, और जब हम उस तरीके से काम करते हैं तो एक कहावत है कि नेक नियत मंजिल आसान, और उस चीज़ पर फॉलो करते हुए तो अर्निंग्स अपने आप में साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अर्निंग के साथ साथ जो मान सम्मान है, और जो सबसे बड़ी बात है कि फीलिंग की, और वो फीलिंग ये है कि आज मैंने इस महीने में मैंने इतनी जिंदगियाँ सिक्योर करी, तो शायद इस फीलिंग से बढ़कर कोई फीलिंग किसी आम इंसान के लिए नहीं हो सकती है, और जिसका आनंद पैसे के साथ, सम्मान के साथ और इस फीलिंग के साथ हर इंसान को नहीं आता, कम से कम मुझे तो आ रहा है और मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो एजेंसी का मॉड्यूल है, ये एक अपने आप में इतना बड़ा वेंचर है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा बिजनेस है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस काम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अमेरिका में तो ये बिजनेस परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी चूंकि हम लोग यहाँ पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत सी चीज़ों में ना समझ हैं, और उस ना समझी के चलते इस इंश्योरेंस बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों को एजुकेट करते चलिए और बढ़ते चलिए। इतना बढ़ोतरी इस बिजनेस के अंदर है, जहां कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, बगैर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो आपकी नॉलेज का है, आपके ज्ञान का है, उस ज्ञान को लोगों में बांटना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, लोगों से संबंध बनाने हैं, क्योंकि जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहां बनती है वो आपके कस्टमर्स की फैमिली है। चूंकि हमारा यह मानना है, मैक्स लाइफ का यह मानना है कि कस्टमर को पॉलिसी देने के साथ उनसे हमारा रिश्ता शुरू होता है। ये इंडस्ट्री एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। जिस प्रकार से आज की तारीख में हम अच्छे सामान खरीदते हैं घरों के लिए, चाहे वो किसी ब्रांड का टीवी हो या फ्रिज हो, तो वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है। उसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यदि आप प्रॉपर सर्विसिंग अपने कस्टमर्स की नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और साथ साथ अपने उस कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं आपका चेहरा देखकर, आप पर भरोसा कर आपकी कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला किया था। तो इसलिए ये सर्विस इंडस्ट्री है, और इसमें सर्विस प्रोवाइड करना ये हमारे काम का एक अहम हिस्सा है, और लिहाजा सर्विस प्रोवाइड करना ही हमारा उद्देश्य है। ये एक महज इत्तफाक है, मैंने ज्वाइन किया था 30 मई 2011 को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को। 5 जून 2011 को 32 साल के जवान लड़के की मैंने रिश्ता तय करवाया। 9 जून को उसने मुझसे एक इंश्योरेंस जबरदस्ती समझ के करवाया, और 30 जुलाई की सुबह सूचना आती है 2011 में ही कि कल रात उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैं वहाँ पहुँचा, उसका क्रिमेशन अटेंड किया, और वापसी में आते हुए उसके एक दोस्त को बता के आया इसकी एक पॉलिसी मेरे पास है। तो अगले ही दिन से उसके उन भाइयों के फ़ोन मेरे पास आने शुरू हो गए जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मुझे उनको डांटना पड़ा, और जब मैं चेक लेके उसकी मदर के पास गया, मैंने कहा उस लड़के ने अपना बीमा क्यों करवाया था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पैसे उसने आपके लिए छोड़े हैं, लिहाजा इनका खर्च सोच समझ के कीजिएगा, ये पैसे आपके काम आने हैं। दोस्तों, शायद ये वो मोमेंट था, ये वो वक्त था जब मैंने मुझसे कहा कि डॉक्टर तोमर, जिंदगी भर इस पेशे में रहना, लोगों को ऐसे ही लाइफ सिक्योर करना, क्योंकि जब ऐसा वक्त किसी इंसान पर पड़ता है तो उनके काम सिर्फ हम आते हैं, अपने सगे रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं, वो भी पैसे के साथ। ये वो पेशा है जिससे पाक, जिससे लीगल, जिससे एथिकल बिजनेस इस धरती पर कोई नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि आपको अगर इस बिजनेस में आना है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ आपको नॉलेज गेन करके वो नॉलेज लोगों में बांटनी है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां एक साल की इनकम के बाद भी लगातार रिन्यूअल इनकम्स आ रही हैं, साल दर साल आपके पास पैसे आ रहे हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। और जो नहीं करना है वो सिंपल सी एक बात है कि यदि आप इस बिजनेस में आके सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि मैं आऊंगा साल दो साल कुछ काम करूंगा उसके बाद चला जाऊंगा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस बिजनेस में मत आइएगा।
क्योंकि उससे आप नुकसान करेंगे अपने उन कस्टमर का जो आपके भरोसे पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी कंपनी के साथ। दूसरा धोखा देंगे आप अपने आप को, चूंकि आपने अपने परिवार को एक ये आश्वासन दिया था कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस में आके अब मैं पैसे कमा के अपना घर चलाऊंगा, और तीसरा धोखा देते हैं आप उस कंपनी को जो आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, आपको ट्रेंड करने में, आपको इस काबिल बनाने में कि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए एक धन कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे और अपने तमाम कस्टमर्स को एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे।